हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है नाजरीन आपके? आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी देना चाह रही हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये इसके लिए हमने लिया है 3 किलो चिकन। ये आप देखेंगे चिकन है, और ये हमने लहसुन को पीस के रख लिया है, साथ में अदरक लहसुन ये पेस्ट बना लिया है, और ये हमने कढ़ाई में ऑयल डाल कर रखा है। आप ये देखें, ये ऑयल हमारा खूब गर्म हो चुका है, जैसे पकौड़े तलने वाला होता है। तो देखिए, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। ये हमने इसमें चम्मच हिला दिया है। अब हम इसे कुछ देर तक चूल्हे पे पड़ा रहने देंगे तेज आंच पे, तो ये जो इसका चिकन का पानी है ये खुश्क हो जाए, तो फिर आगे हम आपको बताते हैं मेरी रेसिपी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। तो देखते हैं कि हमारा गोश्त बिल्कुल गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें मिर्ची और लहसुन ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें टमाटर भी ऐड करके डाल दिए, साथ ही इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से पानी खुश्क होने की तरह इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल है। सबसे आसान रेसिपी जो है ये कढ़ाई बनाने के लिए, जल्दी तैयार हो जाती है। तो नाज़रीन देखिए, ये हमारी कढ़ाई कितनी प्यारी, आप देखिए कितना अच्छा कलर है, कितनी अच्छी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, और इतनी जल्दी तैयार हुई, तकरीबन 20-25 मिनट लगे इसमें। अब आप इसमें हरा धनिया और पुदीने की गार्निश कर लें। हमारे घर में कोई हरा धनिया पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया नहीं लगाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अल्लाह हाफिज़। दूसरी रेसिपी के साथ अभी होंगे।